जनपद शामली में ट्रिपल मर्डर का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां भजन गायक अजय पाठक और उनके परिवार के 3 सदस्यों की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। मामला थाना आदर्श मंडी क्षेत्र की पंजाबी कॉलोनी का है, जहां अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक अजय पाठक अपने परिवार के साथ रहा करते थे। बताया जा रहा है कि बीती रात से ही अजय पाठक का घर बंद था। सूचना मिलने पर जिला अधिकारी अखिलेश कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। जानकारी के दौरान पता चला कि मंगलवार शाम से ही बंद मकान के अंदर अजय पाठक, उनकी पत्नी स्नेहा पाठक और बेटी वसुंधरा पाठक की डेड बॉडी पड़ी है। वहीं मृतक अजय पाठक का 10 साल का बेटा भगवत भी संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता है। फिलहाल पुलिस ने बंद मकान के अंदर से 3 शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दूसरी ओर फॉरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल से सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। घटना में अभी तक किसी प्रकार के खुलासे का कोई भी तथ्य सामने नहीं आया है। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। देर शाम DIG सहारनपुर रेंज उपेंद्र अग्रवाल और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह भी घटना स्थल पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। ताले लग रहे, बाहर से भी ताला लगा के चला गया, दिक्कत हमारा वाइफ को काट रखा, हमारी बापी को मार रखा, काट रखा। फिलहाल तो 3 का पता, हमारा भाई बापी और मेरी लड़की है, भतीजी है, और मेरे छोटे से बच्चे का पता नहीं कहाँ है। ये देखिए, शाम को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना आदर्श मंडी में पंजाबी कॉलोनी स्थित एक मकान में 3 जो है व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है, धारदार हथियार से प्रहार करके। सूचना पाके मौके पर तत्काल जो है थाने की पुलिस पहुंची और भी तमाम अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे। फील्ड यूनिट को भी इस क्रम में बुला लिया गया है, हमारी क्राइम टीम भी बुलाई गई है। ये जो 3 लोग हैं, अजय पाठक इनका नाम है, इनकी वाइफ और इनकी बेटी, इन तीनों की जो है बॉडीज़ यहाँ रिकवर हुई हैं, जिनकी धारदार हथियार से प्रहार करके उनकी हत्या की गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी इनका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भिजवाई जाएगी। इस संबंध में जो प्रथम दृष्टिया मामला रंजिशन का हत्या का प्रतीत हो रहा है, बाकी हर दृष्टिकोण पर हम इसमें जांच कर रहे हैं। टीमों का गठन कर दिया गया है और आसपास के CCTV फुटेज भी इसमें खंगाले जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही घटना का हम अनावरण कर लेंगे। बेटा फरार है कि बेटा गया बहन का? हाँ देखिए, अभी इनके जो परिजन आए हैं उन्होंने ये बताया कि इनका एक छोटा बेटा भी है जो भी मिल नहीं रहा है, और उनकी एक गाड़ी भी यहाँ थी, तो इसको सुबह किसी ने बता रहे हैं मोहल्ले में निकलते हुए भी देखा है, तो उसकी भी हम जो है जांच करवा रहे हैं। सर लूटपाट कब की घटना है? सर कब? सर लूटपाट घर में लूटपाट का कोई मामला प्रकाश में आया? अभी तक तो इस बात की कोई पुष्टि नहीं कर पाए हैं ये लोग। बाकी पुलिस अभी मौके पर मौजूद है और जैसे बॉडी को हम पोस्टमार्टम के लिए भिजवाएंगे और हर बिंदु से इस पर जो है जाँच की जा रही है। सर बताया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय गायक थे, पेशे से इस बारे में देखिए प्रोफेशन इनका क्या था, गायक तो बताया जा रहे हैं, बाकी इस चीज़ को भी वेरीफाई किया जा रहा है।